दोस्तों देवघर कॉलेज के बाहर का कुछ इस प्रकार नजारा है और सभी लोग वहीं जा रहे हैं, पुलिस बल भी यहाँ खड़ी और आज बहुत भीड़ होने वाला है। और ये देखिए अभी देवघर कॉलेज का कुछ इस प्रकार क्राउड है। इसी रास्ते से बाबा का आगमन होने वाला है।
शंकर जी है, लेकिन कहाँ बैठे? बाबा बैद्यनाथ की भूमि पर बैठे। यहाँ कौन विराजमान है? तो आप ज्योतिर्लिंगों में एक सिद्ध पीठ है, एक ज्योतिर्लिंग है, इनका नाम है बाबा बैद्यनाथ। ये कैसे प्रकट है? एक कथा प्रचलित है, रावण ने अपने नौ सिर काट कर महादेव पर चढ़ा दिए। जब दसवां सिर काट करके चढ़ाया, भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। कहो रावण क्या चाहते हो? रावण ने कहा, महाराज हमारे घर पर सोने की लंका है, सोने का सामान है, वैभव बहुत अच्छा है, नाम हमारा बहुत अच्छा है, देवता हमारी जी हजूरी करते हैं, बस एक ही कमी है। क्या? आप अगर हमारे साथ चल पड़ेंगे तो हमें बार बार कैलाश पर्वत नहीं आना पड़ेगा। शंकर जी बोले, भाई ले मत जाओ। रावण बोला, नहीं नहीं हम तो ले जाएंगे। रावण जैसा व्यक्ति अगर भगवान को ले जाना चाहे तो भगवान समर्पण के वशीभूत चले तो जाएंगे पर पहुंच नहीं पाएंगे। यही हुआ। भगवान शंकर ने कहा, रावण दशावन हम चल तो पड़ते हैं पर एक शर्त है। क्या? यह शिवलिंग को जहां तुम स्थापित कर दोगे लौट करके हम वहां से नहीं उठेंगे। रावण ने कहा, हम बलशाली हैं। देखो बुरा ना मानना, कई लोगों को अपने बल का पद का घमंड होता है। हम एक प्रार्थना करें, पद और बल ये सदा हमेशा टिका नहीं रहता। संसार में टिका तो केवल भगवान का भक्त रहता है। बड़े बड़े भगवान पृथ्वी पर टिक नहीं पाए। रावण को बड़ा अभिमान था। क्यों? चलत दशानन निकला। रास्ते में जब वह झारखंड के देवघर में आ गया, जहां देवताओं का घर है, इसीलिए इस जगह का नाम देवघर है। और पागलो, ये देवताओं का घर है इसलिए देवघर है, इसलिए यहां के लोग निडर है। क्यों? क्योंकि ये देवघर है। हमें ऐसा लग रहा, अब किसी को बुरा लगे तो हम क्या कहेंगे, हाजमोला की गोली खा ले। हमें ऐसा लग रहा हमारे सनातन का झंडा देवघर के पागल ही झारखंड में बुलंद करेंगे। हमें ऐसा अनुभव हो रहा। तो हनुमान जी करेंगे, काम हो जाए। हा हा हा। तो रावण जब देवघर शिवलिंग को लेकर आया, यहाँ पर उसको बहुत तेज लघु शंका लग गई। अब क्या किया जाए? उसी समय एक ग्वाला चरवाहा जिसका नाम बेजू था, बेजू नाम के ग्वाला को झारखंड के भोले भाले सीधे पिछड़े पिछड़े भक्त को भगवान शंकर को थमा दिया। और रावण जब लघु शंका करने गया तो बेजू ने विचार किया, रावण ले जाके लंका में विदेश में जाकर शंकर जी को बैठाएगा, हम तो झारखंड में ही शंकर जी को विराजमान कर देते हैं ताकि पूरी दुनिया देवघर में ही आती है। जहां विराजमान करवाया लौट कर रावण से भोले बाबा नहीं उठे। उसी दिन से इस स्थान का नाम हो गया बैद्यनाथ, क्योंकि भोले बाबा नाथों के नाथ हैं। किसके नाथ हैं? सबके। भोले बाबा नाथ हैं। अच्छा, जिस जगह पर भोले नाथ हो वहां कौन अनाथ होगा? सब सनाथ होंगे क्योंकि भोले बाबा सबके नाथ हैं। और मेरे प्रिय जनों, झारखंड के पागलों, यहां देवघर में बैद्यनाथ हैं तो यहां कोई अनाथ नहीं है, सब सनाथ हैं। भोले बाबा विराजमान हो गए, नाम बैद्यनाथ पड़ गया। ऐसे
महादेव पर चढ़ा दिए। जब राम जी का अवतार हुआ तो भगवान भोले बाबा पार्वती से बोले कि हम भी राम जी के साथ सेवा करेंगे, रावण का वध करवाएंगे। तो पार्वती जी मुस्कुराते हुए बोली, महाराज रावण तुम्हारा भक्त है और आप रावण को मारोगे कैसे? तब भगवान शंकर ने मुस्कुराते हुए कहा, देवी रावण ने हमारे केवल 10 सिर को चढ़ाकर 10 रुद्रों को प्रसन्न किया है, हम 11 रुद्र हैं, 1 रुद्र बाकी रह गया और जो रुद्र बाकी रह गया हम उसी रुद्र के रूप में हम बानर बनकर अवतार लेंगे और रावण का वध करवाएंगे। इस प्रकार भगवान शंकर ही हनुमान जी बने। कौन बने? जोर से बोलो, हनुमान जी बने। राम के द्वार पर हनुमान जी का पहरा होता, हम नहीं कह रहे, सब संतों ने प्रमाण दिया, एक गीत भी आया है बड़ा प्यारा, ओ जहां जहां कीर्तन होता प्रभु राम का, चंद्रमा क्यों धारण किए मस्तक पर? भगवान महादेव
करने में लगता है। अच्छा फिल्म दिखवा लो, पूरी रात देखते रहे और कहो भाई सीताराम जपो, सीताराम रामायण पढ़ो। गुरुजी नेत्र दर्द कर रहे हैं, आंखें फिरा रही, नक कटा, मोबाइल चलाने में नहीं है, लेकिन मन बड़ा विचलित रहता हो, मन से परेशान रहते हो तो चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए। तो भगवान का दूसरा श्रृंगार है चंद्रमा। क्या है चंद्रमा? चंद्रमा विचार को एकत्रित करते हैं। भोले बाबा का तीसरा श्रृंगार सुनो, तीसरा श्रृंगार है गंगा, वो भी सिर पर। गंगा तरंग, गंगा को सिर पर भगवान भोले बाबा विराजमान करते। गंगा का आशय क्या है? गंगा पवित्रता का प्रतीक है, ये मन को भी पवित्र करती, तन को भी पवित्र करती है। इसलिए प्रिय जनों, भगवान राम को पाने के लिए मन की पवित्रता भी जरूरी है और तन की पवित्रता भी जरूरी है। बहुत से लोग तन की पवित्रता तो कर लेते हैं, मन की नहीं करते। बाहर से तो बड़े गोरे दिखाई देते हैं, मन भयंकर काला होता है। बोलो सीताराम। ऐसे लोग बड़े खतरनाक होते हैं, जो दिखने में गोरे मन के बड़े काले। भाई कलर जैसा भी हो भगवान की कृपा है, और एक बात बोले, मन को इतना उजला रखो, मन को इतना पवित्र रखो कि राम जी ना मिले तो हनुमान जी मिल जाए, हनुमान जी ना मिले तो हनुमान जी का कोई दास तुमको मिल जावे। इसलिए भोले बाबा तीसरा श्रृंगार गंगा का करते हैं, गंगा को सिर पर रखते हैं। अब भोले बाबा का चौथा श्रृंगार सुनो, भोले बाबा का चौथा श्रृंगार है त्रिपुंड। मस्तक पर तीन डंडी लगी लकीरें रहती, ये त्रिपुंड क्यों रहता है? भैया त्रिपुंड है भूत भविष्य और वर्तमान का प्रतीक, तीनों कालों को बताने की क्षमता जिसमें है वो त्रिपुंडधारी केवल और केवल एक ही है, वो भूत भावन महादेव है। महादेव का पांचवा श्रृंगार है त्रिनेत्र। तीन नेत्र हैं, सबके दो होते हैं, शंकर जी के तीन, एक एक्स्ट्रा। भोले बाबा का हर काम अतिरिक्त ही है, एक एक्स्ट्रा है। तो किसी ने पूछा, बाबा हमारे तो दो ही नेत्र हैं, तुम्हारे तीन? शंकर जी बोले, नहीं तीन सबके हैं, पर किसी का बंद पड़ा, हमारा खुल गया। ये यहाँ पर हम लोग ध्यान लगाने को कहते ना, इसे आज्ञा चक्र कहते, आज्ञा चक्र। ये भी नेत्र है, और जिसका ये खुल जाता है वो भी लय और प्रलय करने की सामर्थ्यता पा जाता है। तो भगवान का यह अद्भुत पांचवा श्रृंगार है त्रिनेत्र का। भगवान शंकर के तीन नेत्र हैं, और तीन नेत्र का मतलब है सतोगुण रजोगुण और तमोगुण, तीनों गुणों को ठीक करने की सामर्थ्यता केवल भूत भावन महादेव में है। यह बाबा का पांचवा श्रृंगार। अब भोले बाबा का छठवा श्रृंगार सुनो, बाबा का छठवा श्रृंगार है त्रिशूल। अच्छा ये त्रिशूल क्यों लिए रहते शंकर जी, क्या आवश्यकता है? त्रिशूल है संहारक का प्रतीक, संहार करने का। लेकिन त्रिशूल में भी तीन नौक रहती है, तीन नौक निकली रहती है। ये किसका प्रतीक है? ये जो त्रिशूल में तीन नौक निकली रहती, ये त्रिय ताप निवारक है, दैहिक दैविक भौतिक। ये जो तीन प्रकार के ताप होते हैं, जो शंकर देव महादेव की पूजा करता है, त्रिशूल के बल पर महादेव तीनों तापों का विनाश कर देते हैं। इसका वर्णन रामायण में भी आया है, हम नहीं कह रहे, रामचरितमानस में गोस्वामी कलि कुलशेखर पावन अवतार श्री तुलसीदास जी ने लिखा, एहा दैहिक दैविक भौतिक राम राज का हो गई।
छठवां श्रृंगार है वो बड़ा प्यारा है। अब भोले बाबा का सातवां श्रृंगार सुनो। बाबा का सातवां श्रृंगार है भस्म। क्या है? यूं मान के चलो कैलाश पर्वत का पाउडर। हम लोग यहाँ पाउडर लगाते, भोले बाबा भस्म के रूप में पाउडर लगाते हैं, भस्म को धारण करते हैं। अभी हम जब गए, हमारे यहाँ के लाडले सांसद जी हमारे बड़े ही प्रिय, श्री निशिकांत द्विवेदी भी साथ में थे, बहना भी साथ में थी। खूब धक्का मुक्की हुई, बहुत भीड़ थी, जगह जगह पागल ही पागल थे। लेकिन जैसे ही वहाँ गए, वहाँ के पंडित आचार्यों ने, वहाँ के पुरोहितों ने, भगवान शंकर के पुजारियों ने वेद मंत्रोच्चारण करके जब भस्म चढ़वाया, ऐसा लगा हम भी देवघर वासी हो गए हों। क्या बोले मंत्र, अद्भुत। और धन्य है यहाँ के पुजारी, इतने उदार पुजारी हैं, इतने करुणावान यहाँ के पुजारी हैं। पूरी भस्म भगवान शंकर पर डलवा दी। महाराज पूरी डालो, हम तो कम डाल रहे थे क्योंकि हम कंजूस हैं। लेकिन उन्होंने कहा नहीं नहीं पूरी डालो, हमने भी पूरी लई। हारे हारे जो बची कुछ हमारे लगा दी, कुछ हमारे दुबे जी को लगा दी, बची खुची ब्राह्मणों ने खुद लगा ली। ऐसा नजारा था मंदिर के अंदर मानो सब राम जी के भक्त। ऐसा नजारा था मंदिर के अंदर, लग रहा था सब राम जी के बंदर हैं। भैया हम तो देवघर आकर के धन्य हो गए, यहाँ की भक्ति देख करके धन्य हो गए। धन्य है यहाँ के लोग, धन्य है यहाँ की भक्ति, धन्य है वासी। जो झारखंड के देवघर महादेव के दर्शन करने आएगा वो सौ भी शिव बन जाएगा, वो मुर्दा भी जिंदा हो जाएगा। और सौ और शिव का मतलब, सौ का मतलब मरा हुआ। मरा कौन? जिसके हृदय में राम नहीं, जिसके हृदय में संतों के प्रति प्रेम नहीं, जिसे हिंदुत्व से प्यार नहीं, वो मरा हुआ मुर्दे के समान है। इसीलिए देवघर में जो आकर के महादेव की भक्ति करता है, आहा धन्य है भोले बाबा। तो भोले बाबा का सातवां श्रृंगार है भस्म। क्या है? बोलो बोलो बोलो। आदमी कहते ना हम भस्म कर देंगे। ये वही भोले बाबा को भस्म प्रिय है। अच्छा, भोले बाबा को भस्म क्यों प्रिय है? क्या बात है? भस्म क्यों लगाते हैं और कब से लगाई? आहा, एक बार भोले बाबा एक जगह चले जा रहे थे। रास्ते में एक मुर्दा शव लेटा हुआ चला जा रहा था। पीछे पीछे लोग कह रहे थे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम। भोले बाबा को लगा ये तो हमारी पार्टी के आदमी है। सो भोले बाबा पीछे हो गए। अब भोले बाबा भी कहने लगे राम नाम, राम नाम सत्य बोलो, राम नाम। भोले बाबा सत्य सत्य कहते हुए जाने लगे। लेकिन जैसे ही शमशान घाट पर मुर्दा पहुंचा, मुर्दे में आग लगाई, सत्य बोलने वाले अपनी अपनी बातें करने लगे। एक बोला एक बात बताओ, ये कब मर गए थे? दूसरा बोला भैया हमें तो लगता है सुबह ही चले गए। तीसरा बोला क्या बताएं, इनको आज ही मरना था, रविवार को मर जाते, कम से कम हमारे काम तो नहीं बिगड़ते। चौथा बोला अब हम भी क्या बताएं, हम तो अपनी बिजली का बिल जमा करने जा रहे थे लेकिन ये मर गए। शंकर जी ने सोचा अभी कुछ देर पहले राम नाम सत्य कह रहे थे, अब तो ये संसार की बातें करने लगे। अरे ये तो झूठे प्रपंची हैं, ये हमारी पार्टी के आदमी नहीं है। लेकिन तब तक मुर्दा जल चुका था। पर भोले बाबा ने विचार किया, भैया मुर्दा भले ही जल गया लेकिन इसके कारण कुछ लोगों ने राम नाम सत्य कहा, हमारा सच्चा साथी तो यही है। मुर्दा जल गया पर उसकी भस्म बच गई, उसी भस्म को सीताराम कहते हुए अपने शरीर में लगा लिया। उसी दिन से भोले बाबा को भस्म चढ़ने लगी। हारे हारे इसीलिए बाबा का सातवां श्रृंगार है भस्म। क्या है?
बोलो बोलो बोलो।